बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को क्लास टू मैथ्स की बुक काउंटडाउन का लेक्चर दूंगी। क्लास टू आपकी बुक है ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक टू। आप लोग अपने अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेंसिल ले लीजिए हाथ में, ठीक है। पेज नंबर वन ओपन करिए और टॉपिक नंबर वन है हमारे पास नंबर्स, ठीक है। टॉपिक नंबर वन है हमारे पास नंबर्स, पेज नंबर है वन। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे 21 अगस्त, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन, लुक एट द नंबर क्रंचर्स, व्हाट नंबर्स कम आउट एट द अदर एंड, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के साथ, और ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आपको सॉल्व करते हुए बताना है। ये देखिए यहाँ पे 8, 9 के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कोई बता सकता है 8 में जब हम 9 प्लस करते हैं तो क्या आता है? 8 में जब हम 9 को प्लस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 17, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बन गया यहाँ तक 17। अब ये यहाँ से यूँ हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आके क्या माइनस करना है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 माइनस करना है। 17 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 15 बच जाता है। हमने यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ऐड करके लिख दिया है कि यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बी पार्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 12 के एरो के साथ जाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 में से क्या माइनस करना है, 12 में से क्या माइनस करना है, 4। कोई बता सकता है 12 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 8 बच जाता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ तक आ गया 8। अब यहाँ से यूँ जाएंगे, ठीक है, अपना यहाँ पे करेंगे डिवाइड। किस चीज़ से डिवाइड करना है, 2 से 8 को डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पे आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि हमारे पास आंसर बन गया 4। यहाँ तक का आंसर आ गया हमारे पास 4। अब यहाँ से यूँ जाएंगे और यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि 4 में 14 को प्लस करना है। कोई बता सकता है जब 4 में 14 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 15 16 17 18। यहाँ हम पुट कर देंगे 18। बी पार्ट का जो आंसर आएगा 1818 पुट कीजिएगा। सी पार्ट पे आ जाइए, सी पे है 24 से माइनस करना है 14 को। एक रफ पेज आप लोग यूज कर सकते हैं, 24 में से माइनस करना है 14 को। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये हमारे पास बन गया 10। यहाँ तक का आंसर आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे यूँ जाएंगे, यहाँ पे 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है। कोई बता सकता है 2 के को 10 तक पढ़ेंगे, 2 का टेबल 10 तक, तो क्या आएगा, 2 10 20। 20 आ गया, 20 के आगे जाएंगे, यहाँ पर 20 में क्या प्लस करना है, 7। 20 में कोई बता सकता है 7 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7 प्लस करेंगे आ गया 27। यहाँ पे आ गया 27। 27 से आगे जाएंगे, इसमें 20 प्लस करना है दोबारा से, 27 में 20 को प्लस करेंगे 7 और 4, आंसर क्या बन जाएगा, 4 7 47। हम यहाँ लिख देंगे 4 7 47। अब आ जाइए डी पे। डी पे सबसे पहले हमें दिया हुआ 60। 60 में से क्या माइनस करना है, 50 50। कोई बता सकता है 60 में से 50 को माइनस करते हैं तो क्या बच जाता है, 10। 10 यहाँ तक आ गया। अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है 2 को। 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 20। 2 10 20। 20 में ये 18 प्लस कीजिए, 20 में 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 और 3 3 8 38। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 3 8 38। अब आ जाएंगे ई पार्ट पे। ई पार्ट में है 99 से 90 को माइनस करना है। एरो हेड शो कर रहा है कि आपको सबसे पहले नीचे जाना है। 99 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9। 9 से अब यूँ जाएंगे इस वाले एरो से, इन्होंने कहा है कि डिवाइड कीजिए, 9 को डिवाइड कीजिए 3 से। कोई बता सकते हैं 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, ठीक है। हमारे पास बच गया यहाँ पे 3 आंसर, यहाँ तक आ गया 3 आंसर, ठीक है। अब इस वाले एरो से यूँ जाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से,
थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फाइव ज़ा 15। अब यहाँ से यू जाना है हमें, ये रास्ता तलाश करते हुए 15 में 30 को प्लस करेंगे, 15 में 30 को प्लस करेंगे तो 5 एंड 4, 45 बन जाता है आंसर, यहाँ आ जाएगा 45। ठीक है, अब आ जाते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कैसे हुआ ये क्वेश्चन। सबसे पहले ए पार्ट पे 8 में रास्ता तलाश करते हुए, सर्चिंग करते हुए हम गए 9 में प्लस किया, 8 को जब 9 के साथ प्लस करेंगे तो 17 बन जाएगा। यहाँ से रास्ता तलाश करते हुए गए, देखिए हमारे पास एक नंबर बन रहा है, यहाँ पे करना है 17 में से 2 को माइनस, 17 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे एंड में आ जाएगा 15। अब आ जाइए बी पार्ट पे, बी पार्ट में है 12 में से 4 को माइनस करना है, हमने किया, 4 को जब माइनस किया तो हमारे पास बन गया 8। यहाँ से सर्च करते हुए गए अपना रास्ता और यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आंसर आया था हमारे पास 8, डिवाइड करेंगे 2 को 8 के साथ तो हमारे पास बनेगा 4। अब यहाँ से 4 को लेते हुए चलेंगे और यहाँ पर आ गए, 4 में 14 प्लस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 18। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट में सबसे पहले 24 दिया हुआ है, एरो के थ्रू हम चलते हुए गए, ठीक है, 24 में से क्या माइनस करना है, कौन सा नंबर आया 14, 24 में से 14 को माइनस किया तो 10 बच गया। अब इस 10 को लेते हुए चले हम यहाँ तक, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 20। अब इस 20 को लेते हुए चलेंगे एरो के साथ और हमारे पास 20 में 7 को प्लस कर देंगे 27। अब 27 को लेते हुए चलिए यहाँ तक आए, 27 में 20 को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा एंड में 47। ठीक है, अब आ जाइए डी पार्ट पे, डी पार्ट पे सबसे पहले 60 दिया हुआ है, 60 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। इस 10 को लेते हुए इस वे पे जाएंगे, ठीक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को लेते हुए जाएंगे 18 तक तो 18 में 20 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 38। ई पार्ट पे आ जाइए, 99 सबसे पहले दिया हुआ है, 99 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, इस 9 को लेते हुए चलेंगे यहाँ तक, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो हमारे पास आंसर आया 3, 3 को लेते हुए चलेंगे 5 पर, 3 5 सा 15। अब इस 15 को लेते हुए जाएंगे 30 पर और ये हमारे पास 45 आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे, आ जाइए टर्न कीजिए पेज नंबर 2 पे, ठीक है, अब यहाँ है डू यू रिमेम्बर, क्या आप लोग को याद है क्लास 1 में आप लोगों ने ये काम किया हुआ है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल क्या करता है हमेशा बिगर नंबर को ईट करता है, बिगर नंबर की तरफ मुंह ओपन करता है, ओपन हिज माउथ, ठीक है, ओपन करता है अपने माउथ को, कौन सा वाला नंबर, बिगर नंबर, ठीक है, ये एक हिंट दी हुई है कि क्रोकोडाइल हमेशा बड़े नंबर को खाता है। अगर आप लोग ये याद रखेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, यानी कि हमें बड़े नंबर की तरफ क्रोकोडाइल का फेस ओपन करना है, माउथ ओपन करना है। अब यहाँ 18 और 19, क्या बड़ा है इसमें कोई बता सकता है, 19 बड़ा है, हमने ऐसे कर दिया, ऐसे क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर दिया, ठीक है। अब है 14 और 24, कोई बता सकते हैं कौन सा वाला बड़ा नंबर है, यस 24 की तरफ माउथ को ओपन कर देंगे। 21 और 29 में से कौन सा बिगर है, 29 बिगर नंबर है, हमने क्या किया क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर दिया, ठीक है, या इसे कहेंगे हम लेस देन, 21 लेस देन, इसे हम क्या कहते हैं लेस देन, और इसे कहते हैं ग्रेटर देन, और इसे कहते हैं लेस देन, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, जहां पे ये एक हिंट है कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ माउथ ओपन कर देंगे क्रोकोडाइल का, सही। वैसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, 14 लेस देन 24, 18 लेस देन 90, 21 लेस देन 29, ठीक है, 76 लेस देन 81, क्योंकि 81 क्या है, बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, 53 बड़ा है या 51 बड़ा है, 53 बड़ा है, ऐसे जाएगा। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, 53 ग्रेटर देन 51, यानी 53 बड़ा है 51 से, 53 ग्रेटर देन 51। अब आ जाएंगे एफ पार्ट पे, 40 और 51, कोई बता सकता है क्या बड़ा है इसमें, यस 51 बड़ा है, हमने क्या किया क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर दिया। कैसे पढ़ेंगे, 40 लेस देन 51, ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए सब बच्चों को, साथ साथ मेरे पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। अब है हमारे पास जी पार्ट, कोई बता सकता है 12 बड़ा है या 17, जी 17 बड़ा है, हमने क्या पढ़ेंगे अब इसको,
लेस देन 17। कोई बता सकता है 100 बड़ा है या 99? यस 100 बड़ा है। हमने क्या किया, इसकी तरफ माउथ ओपन कर दिया। कैसे रीड करेंगे इसको हम, 100 ग्रेटर देन 99, 66 और 99 कौन सा बड़ा है, 99 होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, 66 लेस देन 99, 66 छोटा है 99 से, अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें। अब आ जाते हैं इस पे, सबसे पहले डेट मेंशन कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबको पता है बिफोर आफ्टर बिटवीन, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आप लोगों को याद आ रहा है, बिफोर किसे कहते हैं, आफ्टर किसे कहते हैं, बिटवीन किसे कहते हैं। बिफोर यानी के पहले वाला नंबर, आफ्टर बाद वाला नंबर, बिटवीन इन दोनों के दरमियान का नंबर या इन दोनों के बीच का नंबर, ठीक है। बिफोर नंबर, कोई बता सकता है 54 से पहले क्या आता है, क्या आप लोग को काउंटिंग आती है, 54 से पहले क्या आता है, 53 पुट कीजिए, पेंसिल लीजिए अपने हाथ में और पेंसिल से इसको साथ साथ लिखते रहिए। 11 से पहले क्या आता है, 10। 70 से पहले क्या आता है, यस 69। 100 से पहले क्या आता है, 99। 38 से पहले क्या आता है, 37। 41 से पहले क्या आता है, 40। बी पार्ट पे आ जाइए, आफ्टर, आफ्टर मतलब इसके बाद का नंबर जो इसके बाद आता है, ठीक है। पहला वाला आप लोग के लिए डन किया हुआ है। सेकंड पे आ जाइए, 77 के बाद क्या आता है, 78। 2929 के बाद क्या आता है, 3030। 4040 के बाद क्या आता है, 4141। 16 के बाद क्या आता है, 1717। 5959 के बाद क्या आता है, 6060। 1212 के बाद क्या आता है, 1313। बिटवीन नंबर बहुत इजी है, जैसे हमने बिफोर नंबर किया था, बिटवीन में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, बिफोर नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, आफ्टर नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि 39 के बाद क्या आता है, 4040। 9898 के बाद क्या आता है, 9999। 5555 के बाद क्या आता है, 5656। 4848 के बाद क्या आता है, 4949। 1010 के बाद क्या आता है, 1111। 6767 के बाद क्या आता है, 6868, ठीक है। ये पेज आप लोगों ने मेरे साथ साथ किया है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 3 में है पुटिंग इन ऑर्डर। सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए, असेंडिंग, पुट दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी को पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, जैसे 1 2 3 4, यानी कि हम छोटे नंबर से बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। चाहिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, बी पार्ट पे आ जाते हैं। कोई बता सकता है इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1414 है, 87 है, 27 है, 19 है, 78 है, 86 है। सबसे पहले क्या आता है, 1414, हमने लिखा 1414 कॉमा, इसके बाद 1919, यानी वंस वाले नंबर्स जो हैं, टेंस वाले, 10 की जो सीरीज वाले आ रहे हैं वो लिख देंगे। फिर 20 की सीरीज वाले देखिए, 27। फिर 30 की सीरीज वाले हैं ही नहीं, 40s वाले भी नहीं है, 50s वाले भी नहीं है, 60s वाले भी नहीं है, 7878 है, हमने लिख देंगे 7878। अब दो 8 की सीरीज वाले बचे, यहाँ पे 86 है और यहाँ पे 87 है। कोई बता सकता है पहले 8686 आता है या 8787 आता है? यस 8686 आता है, फिर आ जाता है 8787, ठीक है। अब सी पार्ट है, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कोई बता सकता है क्या है? 1313 है, 72 है, 44 है, 51 है, 46 है, 99 है। जी सबसे पहले क्या आएगा? 1313। फिर कोई बता सकता है 44 आएगा या 46 आएगा?
4, 4, 44, फिर क्या आएगा 4, 6, 46, फिर आएगा 5, 1, 51, फिर 7, 2, 72, 9, 9, 99, ठीक है। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है कोई बता सकता है? 6 है, 47 है, 54 है, 8, 23, 19। सबसे पहले क्या आता है? 6, फिर 8, 23 आएगा, 47 आएगा, क्या आएगा? 23 आएगा, हमने लिख दिया 23। फिर क्या लिखेंगे? 47, फिर क्या लिखेंगे? 54, फिर क्या लिखेंगे? 98। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। पुट दिस नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। कोई बता सकता है इसमें सबसे बड़ा बिगर नंबर कौन सा है? 2 है, 58 है, 77 है, 100 है, 99 है, 49 है। यस, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 100, 100। इसके बाद क्या आएगा? 9, 9, 99। फिर आ जाएगा 7, 7, 77, 58, 49 एंड लास्ट में आ जाएगा 2। ठीक है, अब आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ। 85, 17, 49, 82, 32, 6। कौन सा सबसे बड़ा है? 85 बड़ा है, लिख देंगे। फिर कौन सा है? 82। फिर है हमारे पास 49। फिर कोई बता सकता है? 32। फिर है 17 और फिर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे क्या है सबसे बड़ा कोई बता सकता है? 99 बड़ा है, 98 बड़ा है, 92 बड़ा है, 93 बड़ा है। ये तो सबसे पहले 9 की सीरीज वाले नंबर है। फिर 69 है और 39। कोई बता सकता है सबसे पहले क्या आएगा? यस, 99 आएगा। फिर क्या आएगा? 98, 98, 93, 93, फिर 92, 92। फिर क्या आ जाएगा? 6, 9, 69, फिर 3, 9, 39। ठीक है, यहाँ पे आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मैंने आज आप लोगों को करवाया है पेज नंबर 1, 2 और 3 बुक के अंदर। ठीक है, ये हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं कॉपी वर्क पे, और ये मेरे साथ साथ करना है आप लोगों ने। जब आप लोग आएंगे स्कूल इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में, तो आप लोगों को कॉपीज चेक की जाएंगी आप लोगों की। अब आ जाते हैं हम सिलेबस की तरफ और कॉपी वर्क की तरफ। क्लास टू आप लोग की जो बॉक्सेस वाली कॉपी है, मैथमेटिक्स की जो कॉपी है, सबसे पहले आप लोगों ने उसमें बनाना है मिड टर्म का टाइटल पेज। मिड टर्म का टाइटल पेज कलरफुल बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा सिलेबस फॉर मिड टर्म। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये सिलेबस लिखना है पूरा मैथ्स की कॉपी में। कॉपी वर्क है, ये भी सिलेबस में इंक्लूड करना है। ठीक है, आपका कॉपी वर्क में काउंटिंग आएगी, इनवर्ड्स काउंटिंग होगी, टेबल्स होंगे, और ये टॉपिक जो होंगे वो बुक में भी होंगे और कॉपीज में भी कुछ सिलेक्टेड पेजेस आपकी टीचर कॉपी में करवाएंगी। सही, अब आ जाते हैं आपको जो पीडीएफ दिया गया है, सिलेबस भी पीडीएफ में आएगा। अब आपके पास पीडीएफ मौजूद होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है पीडीएफ, या आप लोगों ने कॉपी में वर्क करना है। बुक का वर्क जो मैंने आप लोगों को अभी करवाया है मेरे साथ साथ वीडियो में से करना है, और कॉपी वर्क पीडीएफ के थ्रू करना है। अच्छा, कॉपी वर्क में सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाया मिड टर्म का, उसके बाद सिलेबस लिखा और उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कर दी। 501 से लेकर 600 तक काउंटिंग करनी है। आप सबको पता है काउंटिंग कैसे की जाती है, आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा 600 तक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इनवर्ड्स काउंटिंग, मैंने करवाई हुई है, इनवर्ड्स काउंटिंग करनी है। इनवर्ड्स काउंटिंग 101 से लेकर 150 तक मैंने इनवर्ड्स काउंटिंग पीडीएफ में सेंड की हुई है। ये आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, अपनी क्लास वर्क कॉपीज में कर लीजिएगा 50 तक 150 तक। इसके बाद टेबल स्टार्ट हुए हैं, टेबल करने हैं 2 और 3 का। अभी सिर्फ 2 ही टेबल्स दिए गए हैं, वो आप लोग अच्छे से याद भी करेंगे। जब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो स्कूल में अच्छे से प्रिपेयर होकर आएंगे इंशाल्लाह। आपकी ये कॉपी वर्क करना है आप लोगों ने, और बुक वर्क भी बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत जल्द इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, या फिर अगर दुआ कीजिए जल्दी से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ और फिर हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और दोबारा से इंशाल्लाह हमारी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।